शराब घोटाला ईडी केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्यों ने जारी किया अपना बयान, कहा चैंपियन पहलवानों को ऐसे हालात में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। एम्स बाल रोग विभाग नई ओपीडी में हुई शिफ्ट, मरीजों को इलाज के लिए घंटों नहीं करना पड़ेगा अब इंतजार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्र के तबादले वाले अध्यादेश के खिलाफ मांग सकते हैं समर्थन। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं कक्षा के जारी किए नतीजे, महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 93.83% विद्यार्थी हुए पास। इंदौर के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब हरिद्वार जाने के लिए सप्ताह में 4 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। विजिलेंस सचिव के दफ्तर से फाइलें गायब होने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुआ दर्ज। बीजेपी ने बृजभूषण को दी आक्रामक बयानबाजी से बचने की नसीहत, 5 जून की रैली रद्द करने को कहा। 10 साल की परेशानी का कुछ ही देर में निकला समाधान, 3 घंटे में हटा अतिक्रमण, बनी नई सड़क और शुरू हुआ ट्रैफिक राजस्थान के कोटा का मामला। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, हाथ पर बना है टैटू, पुलिस कर रही है मामले की जाँच।